वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू विद पलक टुडे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? कॉफी के बारे में। कॉफी क्या है? कॉफी एक ऐसा डेविल है, अगर आपने इसके ऊपर लगाम लगा लिया ये आपकी बना सकता है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी आज कॉफी के बारे में, क्योंकि इतने मिथ्स हैं। जैसे मैंने ये पोस्ट डाली कि मैं आ रही हूँ लाइव एंड हम कॉफी की बात करेंगे, आपको पता है सबने क्या कमेंट्स क्या आए, यार पलक हमें क्यों सीखना है कॉफी के बारे में, हमें पता है कॉफी इज वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, कॉफी इज गुड फॉर कैंसर, कभी कैंसर नहीं होता। मैं एक एक स्टडी मिथ आज बस्ट करूंगी। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कॉफी कितना बड़ा डेविल है, कॉफी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको कॉफी, और मैं वीडियो के एंड में ये बताऊंगी कि मैं कॉफी रोज क्यों पीती हूँ, ऑल दो इसके साइड इफेक्ट्स जानते हुए, इसके साइड इफेक्ट्स जानने आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यस, द टॉपिक फॉर टुडे इज कॉफी। लेट्स वेट अनदर वन मिनट फॉर एवरीवन एंड देन वी शुड बी गेट गोइंग गाइस। अगर आप ये सोच रहे हो मैं इतना तैयार होके क्यों आई हूँ सुबह 6 बजे, सो गाइज मैंने यही डिसाइड किया है कि जिंदगी का हर तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? तो मैं रोज मॉर्निंग में ऐसे ही तैयार हुआ करूंगी, ज्वेलरी, बाल, ड्रेसेस, दिस इज न्यू पलक, पलक 2.0, सो इज माय वंडर वुमन। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। So let's talk about coffee. अगर आप इंटरनेट पे जाते हो और सबसे पहले लिखते हो कॉफी के बेनिफिट्स, आपके सामने बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। मैं एक एक बेनिफिट को बस्ट करूंगी। सबसे पहले बेनिफिट क्या आता है? इट इज वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज ट्रू। कैफीन इज वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स गाइस, बट मैं आपको ये बोलती हूँ कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण मत पियो। क्यों? क्योंकि अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं चीनी लो, माचा टी की। माचा टी में 168 कप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू कॉफी। तो इसका मतलब कॉफी हमने एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण पीनी है, दैट इज टोटली रॉन्ग। नहीं, हमें कॉफी किसी और कारण पीनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण नहीं पीनी है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपने जब भी फायदे ढूंढने होते हैं कि मैं कॉफी पीऊं या ना पीऊं, आप लिखते हो बेनिफिट्स ऑफ कॉफी, राइट? तो जिस कंपनी ने कॉफी बनाई होती है वो लोग क्या करते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में आर्टिकल्स छाप देते हैं, उनको लॉस थोड़ा करना है। एंड ये इंटरनेट ऐसे काम करता है। तो दूसरी चीज ये है, हमने क्या रिसर्च में आता है कि कॉफी कैंसर के रिस्क को लो करती है, ठीक है गाइज? एक चीज समझो, मैंने देखा कि 50,000 अमेरिकन लिए उनके ऊपर स्टडी की गई कि सच में कॉफी कैंसर के रिस्क को कम कर रही है। उन लोगों ने देखा कि ये जो स्टडीज थी ये आदमियों के ऊपर की गई थी। हाँ, उनको कैंसर का रिस्क कम हुआ, प्रोस्टेट कैंसर। तो जो आदमी है और जो औरतें हैं उनकी बायोलॉजी बहुत डिफरेंट है। सो कॉफी कैंसर के लिए कैंसर को अवॉइड करती है, ये स्टडी मेन के ऊपर है। तीसरा क्या बोलते हैं आप, मैंने जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, मेरे सामने स्टडी है जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में जाके इस स्टडी के बारे में पढ़ा है, एंड इट सेज कॉफी जो है वो कैंसर अवॉइड करती है, बट जो स्टडी की गई थी वो मेन के ऊपर गई थी। उसके बाद हम अगर इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि कॉफी आपका डायबिटीज का रिस्क कम करती है, ठीक है? हाँ, अगर आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद अगर आपको इंसुलिन स्पाइक आती है, आपका मीठा खाने का मन करता है, आप लोग डेफिनेटली तो आप कॉफी पियो तो आपका मीठा खाने का कम मन करता है, ठीक है? बट मैं ये कहती हूँ अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स कम करनी है, उस रिलेटेड टू योर स्लीप, आप अच्छे से सोए होते हो उस दिन आप ज्यादा मीठा खाने, अगर आपने अपनी डायबिटीज को ही करना है, आप हैंडल करना है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कम करो, आप खाना खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर पियो। सो गाइज मेरा यही कहना है कि हम लोगों ने अगर डायबिटीज को कम करना है तो उसके और भी तरीके हैं, उसके कारण कॉफी क्यों पीनी है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, कॉफी का एक ही बेनिफिट है, वो है एनर्जी। अगर आप
अगर आप लो फील करते हो जिसके अंदर होती कैफीन, इसीलिए कॉफी फील पी के कॉफी में कैफीन ग्रीन टी और ब्लैक टी से ज्यादा होती है। जैसे कॉफी के एक कप में 70 मिलीग्राम होती है, ब्लैक टी का जो एक कप है उसके अंदर उसका हाफ होती है 35, एंड ग्रीन टी में और भी कम होती है। सो द सिंगल बेनिफिट ऑफ कॉफी इज एनर्जी, ठीक है। And but accidents, no, you have better this. I drink coffee because it kills my sugar cravings. No, you have better options. I drink coffee for fat loss. Yes, yes, yes. It helps in fat loss. It helps in fat loss. जिस दिन आप कहोगे मैं कॉफी को फैट लॉस के लिए पीती हूँ मैं कहूंगी, या एनर्जी के लिए पीती हूँ मैं कहूंगी, ये इंसान सही है। बट हमें कुछ प्राइस पे करना पड़ता है कॉफी का। क्या प्राइस पे करना पड़ता है मैं अभी आपको समझाती हूँ। सो नंबर वन चीज होती है कि ये हम लोगों को एनर्जी देती है क्योंकि इसके अंदर कैफीन है। बट एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, हाँ, ये जो एनर्जी कॉफी देती है या फिर जो ब्लैक टी देती है, ये कैसी एनर्जी होती है, इसका एक स्पाइक जाता है, इतना बड़ा स्पाइक जाता है हमें बाद हमें क्रैक चाहिए। लेट्स से पे कॉफी का साइड इफेक्ट है, बता रही हूँ साइड इफेक्ट, और कॉफी आपको एनर्जी स्पाइक देती है। आपको कॉफी, जो कॉफी वाला एनर्जी स्पाइक है, अगर आपको पूरा दिन एनर्जी स्पाइक चाहिए, 4-5 घंटे तक एनर्जी स्पाइक चाहिए, आप लोगे माचा टी। बट आपको अगर बहुत ज्यादा एनर्जी स्पाइक चाहिए तो आप लोगे कॉफी। बट कॉफी का एक साइड इफेक्ट है, वो ये साइड इफेक्ट है, जितना ये एनर्जी स्पाइक देती है उतना ये एनर्जी लो देती है, उसके बाद इंसान क्रैश हो जाता है, और जब इंसान क्रैश हो जाता है वो दूसरा कप कॉफी का ढूंढता है। बट अगर आपने कॉफी के साथ, बहुत बड़े इंडिया के डॉक्टर हैं, उन्होंने इन्फोसिस TCS जैसी कंपनीज में ये रिसर्च लेके आए कि औरतों को और आदमियों को जब मॉर्निंग में आपने कॉफी पिलानी है उनके ब्रेन फंक्शन के लिए, ऑफकोर्स जब इंसान एक्टिव होता है तो सबसे पहले आपका ब्रेन एक्टिव होता है, इंसान क्लियर दिखने लगता है। हाँ, उसी कारण मैंने अपनी स्पेक्स रिवर्स की है। जब मैंने स्पाइक लेनी है, सबसे पहले आपने एक एमिनो एसिड के साथ लेनी है, उस एमिनो एसिड का नाम है L-theanine, ठीक है। इसीलिए मैं कॉफी लेती हूँ अपने एंग्जाइटी सप्लीमेंट के साथ, L-theanine के साथ। L-theanine का आप सिंपल कैप्सूल भी ले सकते हो या फिर मेरा एंग्जाइटी सप्लीमेंट ले सकते हो। एक चीज याद रखना, मैंने जितने भी सप्लीमेंट्स लॉन्च किए हैं इनका अफेक्ट धीरे धीरे शरीर में दिखता है। ऐसे नहीं आपने लिवर डिटॉक्स 1 महीने तक लिया आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी, नहीं, आपको 3-4 महीने में अफेक्ट दिखने लगता है। बट एंग्जाइटी का मेरा इकलौता ऐसा सप्लीमेंट है, लेते ही आपको लगता है मैजिक हो गया यार, वाओ वाओ, रियली यू फील वाओ। सो व्हाई? बिकॉज आपको एक कामनेस आती है। हाँ, तो वन L-theanine के साथ लेनी है अगर आपको एक कामनेस चाहिए। नंबर टू, अगर आपको एनर्जी क्रैश नहीं चाहिए। नंबर टू, कॉफी का जो एनर्जी स्पाइक है, प्लीज यूज इट बिफोर योर वर्कआउट्स, जस्ट बिफोर योर वर्कआउट्स। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से ये चीज समझाती हूँ। हम लोग अपनी फ्रेंड को फोन करते हैं, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत डेटिंग करते हैं, एंड व्हाट दे सी से इज लेट्स मीट ओवर कॉफी। मुझे ये बात बताओ, आप अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो या किसी फैमिली मेंबर के साथ बाहर जा रहे हो, आपने बैठ के कामली बातें सुननी है, बहुत बैठ के ना आपने तसल्ली से बातें सुननी है। तो जब आपने तसल्ली से बातें सुननी है, आपको एनर्जी स्पाइक क्यों चाहिए? क्यों आपने कॉफी के, मैं साइड इफेक्ट्स पे आ रही हूँ, क्यों आपने कॉफी के साइड इफेक्ट्स लेने हैं? एनर्जी स्पाइक, मैं अपनी जिंदगी के हर दिन कॉफी पीती हूँ, बट कब पीती हूँ? अपने वर्कआउट से पहले पीती हूँ और एंग्जाइटी कैप्सूल के साथ पीती हूँ। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स हैं, दे आर लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कम से कम 10,000 बेनिफिट्स हैं, राइट? किसके? एक्सरसाइज के। कॉफी के जो साइड इफेक्ट हैं वो इतने से हैं। इतना सा साइड इफेक्ट लेके शरीर में अगर मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है, डेफिनेटली आई विल डू एक्सरसाइज, रेदर देन सेइंग कि यार एक्सरसाइज करने के लिए मेरे में एनर्जी नहीं है। आई वुड रेदर से
take little bit of coffee and go for exercise, क्योंकि exercise के फायदे बहुत ज्यादा हैं. Coffee के नुकसान क्या हैं? Number one, it is like a diuretic. It means ये आपकी body से water को drain करता है. तो अगर आप dehydrated हो, जिसके मैंने बहुत सारे videos बनाए हैं, तो आपको ना वाटर इनटेक थोड़ा सा हाई करना है. पीती हूँ, माय वाटर इनटेक इज 3.5 लीटर्स. ठीक है, ये आपके वाटर या आपकी बॉडी को, यस इट डिहाइड्रेट्स, बट वी कैन हाइड्रेट द बॉडी, राइट? दैट इज नंबर वन. नंबर टू, यहाँ ये हमारी स्किन को भी डिहाइड्रेट करती है. कुछ नहीं है, दिन में दो बार एलोवेरा जेल लगा लो या फिर मुंह धोके मॉइस्चराइजर लगा लो, आपका स्किन का डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, कॉफी दूसरी चीज क्या करती है, आपके मिनरल्स डिप्लीट करती है बॉडी के अंदर से. आपके मिनरल्स डिप्लीट करती है, इसका मतलब क्या है, जब आप यूरिन जाते हो बार बार, यू लूज पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम. ठीक है, बट वी नो हाउ टू होल्ड मिनरल्स, वी टेक पिंक हिमालयन सी सॉल्ट एंड वी टेक सुपर ग्रीन्स या फिर सब्जियों का जूस पियो. उससे क्या होता है, आपके मिनरल्स जो डिप्लीटेड है वो वापस आ जाते हैं. इतने नहीं डिप्लीट करती है, लाइक टीनी मिनी 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 क्वांटिटी में डिप्लीट करती है, वेरी वेरी लेस क्वांटिटी. अगर कोई इंसान है उसने कॉफी के बारे में अच्छा बोलना शुरू करना है तो एक्सट्रीम अच्छा बोलना शुरू करना है. अगर कोई इंसान ने साइड इफेक्ट बोलने शुरू करने तो एक्सट्रीम साइड इफेक्ट बोलने. क्यों? अटेंशन चाहिए कॉन्टेंट के लिए. नहीं गाइस, आपको पता होना चाहिए क्या फायदे हैं क्या नुकसान है कॉफी के. सो ये मिनरल्स को डस्ट डिप्लीट करता है. बट कॉफी एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा डेविल है जिसको मैंने लगाम देकर अपनी जिंदगी बदली है. क्यों? क्योंकि जब सोफी को मैंने ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर दिया था, मेरे पास एनर्जी नहीं थी अपना शरीर चेंज करने की. मेरे पास एनर्जी नहीं थी एक नया बच्चा और उसके साथ घर का काम, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन में आपको केयर टेकर्स नहीं मिलते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी चेंज करना, मेरे पास एनर्जी नहीं थी. मेरे को कॉफी ने एनर्जी दी है. तो कॉफी एक बोल रहे हो गेम चेंजर फॉर योर लाइफ. ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी, एनर्जी किसको नहीं एनर्जी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए. सो दूसरी चीज, अगर आप वॉक के लिए जा रहे हो मत लो कॉफी. अगर आप टहलने जा रहे हो मत लो कॉफी. अगर आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हो मत लो कॉफी. मैं फ्लाइट में जाती हूँ, फ्लाइट में जो मेरी फ्लाइट अटेंडेंट है वो मुझसे पूछती है, मैम कॉफी? नहीं, क्यों चाहिए मुझे एनर्जी स्पाइक? नो. मैं बाहर मेरी फ्रेंड बोलती है लेट्स मीट फॉर कॉफी, नो आई टेक रेदर सम लाइक. वो कॉफी का ये नुकसान है. दूसरी चीज, कॉफी इज एसिडिक गाइस, इट इज एसिडिक इन योर बॉडी. सो यू हैव टू, अगर आप अपनी अल्कलाइन और एसिडिक डाइट का ध्यान रखते हो, इट मींस आई टेक सुपर ग्रीन्स, आई टेक लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. मुझे को, मैं वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाती हूँ, मेरी प्लेट आधे से ज्यादा वेजिटेबल्स से भरी हुई होती है. सो एंड अल्कलाइन का मतलब ये है, मॉर्निंग में जब मैं पानी पीती हूँ उसके अंदर नींबू निचोड़ के पीती हूँ, मेरा नींबू वाला पानी का ग्लास ये पड़ा हुआ है. सो जब मैं अपना एसिडिक अल्कलाइन का बैलेंस पूरा कर रही हूँ, जब मैं अपनी डिहाइड्रेशन का ध्यान रख रही हूँ, ठीक है, सबसे 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 अच्छा तरीका पता है क्या है कॉफी को कम बैक करने का? दिन में एक बार सुपर ग्रीन्स ले लिया करो, ठीक है, और दिन में एक बार एक लीटर पानी मॉर्निंग में बीच में नींबू डाल के, देन कॉफी का साइड इफेक्ट खत्म हो गया गाइस. सो बट देयर आर बैड कॉफीज इन द मार्केट. आपको कैसे पता चलता है? बिटर टेस्ट. अगर कॉफी का बिटर टेस्ट है, अगर आप लोगों ने कॉफी को इंट्रोड्यूस नहीं किया अपनी लाइफ में, इट्स अ गेम चेंजर, करो. बट साइड इफेक्ट जानते हुए करो. आपको सिर्फ वाटर इनटेक बढ़ाना है एंड यू कैन हाँ. और उसके बाद एक कॉफी किसको पीनी है, किसको पीनी है? जो औरतें एक्सरसाइज करती हैं उनको पीनी है, जिन्होंने अपने शरीर को चेंज करना है, जिन्होंने अपनी गेम को अप करना है, जिंदगी की गेम को अप करना है. चीज में अच्छे होना है, like उसका पेपर है, give him coffee, it's okay. उसको एक बार सुपर ग्रीन्स भी दे देना, बच्चे को गिव कॉफी, इट्स ओके. ठीक है, एंड बूढ़े लोग, अब देखो जो बूढ़े लोग हैं क्या नहीं है उनके पास, जो घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं उनके पास सब कुछ है,
बस जिंदगी को ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट जैसे ही शरीर नीचे गिरने लगता है सबसे पहले आपके एनर्जी लेवल्स नीचे गिरने लगते हैं, एंड वो इंसान जिंदगी को बस बेटर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनको चीजें भूलने लगती हैं, यार क्या था, गिव देम कॉफी. सो उनकी जिंदगी जस्ट जो उनके लास्ट 15-10 साल बचे हैं ना वो थोड़े से बस बेटर हो जाएंगे. दैट्स इट, गिव देम कॉफी. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लाई कर रही हूँ आई रेदर टेक, बट ये मत कहना कभी कि मैंने कॉफी पी है एंटी ऑक्सीडेंट्स के लिए, कैंसर के लिए. दिस इज ऑल बुलशिट. नो, कॉफी इज जस्ट टू अप योर गेम. ठीक है, एंड अब ध्यान से सुनो, किन लोगों को कॉफी नहीं पीनी है. उन लोगों को कॉफी नहीं पीनी है, मैं अपनी माँ को कॉफी नहीं देती हूँ. ठीक है, मैं अपनी माँ को क्यों नहीं कॉफी देती हूँ, शी हैज अंडरलाइन एंग्जाइटी. मेरी मम्मा की अंडरलाइन एंग्जाइटी है, द रीजन बीइंग वो अपनी नेचर नहीं चेंज कर पाती है. शी इज ऑलवेज इन दिस पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक मोड. इसका मतलब फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स. इसका मतलब क्या होता है, मम्मा को घर के अंदर अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को घर के अंदर आ गए और किसी को पानी की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, अगर घर के अंदर 10 हेल्पर्स भी हैं, मम्मा ने कंट्रोल करना है उनको, पता नहीं क्यों. सो शी कैन नॉट गिव अप. ये औरतों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम. सो शी इज ऑलवेज लाइक, मैं अपने हेल्पर से बात कर रही होती हूँ, अनिल भैया आपने मेरे जूते देखे हैं, तो अनिल भैया को इतना फर्क नहीं पड़ता दीदी को जूते ढूंढ के देने हैं. हाँ दीदी, देखना उसने लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए. सो माई मॉम इज ऑलवेज अंडर एंग्जाइटी. ठीक है, एंड आई डू नॉट गिव हर कॉफी. वाई? बिकॉज कॉफी कैन गिव हर जिटरी अफेक्ट मोर. ठीक है, दूसरी चीज, मेरी मॉम को कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे एक सर्ज चाहिए कॉफी का, एक एनर्जी का, ताकि मुझे अपनी बॉडी चेंज करनी है. नो, शी इज वेरी हैप्पी विद हर बॉडी. वो अपने लिए नहीं जी सकती है, उन्होंने ये चीज मान ली है कि उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए जीना है. हम बच्चे जितना भी बोलते रहे कि हमें आपकी जरूरत नहीं, बोलना भी बुरा लगता है, अभी नहीं है, हम बड़े हो गए. सो अ पर्सन लाइक माई मॉम, मैं उनको कॉफी नहीं देती हूँ. शी ऑलरेडी हैज दिस जिटरी इफेक्ट सारा दिन, लेफ्ट राइट. दूसरी चीज, अगर आपको एड्रेनल फटीग है, एड्रेनल फटीग क्या होती है, जैसे ही जिन लोगों को मॉर्निंग में उठने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, उनको, वो लोग क्या करते हैं, सुबह उठते चाय लेते हैं, उनको मतलब एड्रेनल फटीग है. जो एड्रेनल क्या होते हैं, हमारी किडनीज के ऊपर 2 काजू शेप के किडनी बीन्स शेप के ग्लैंड्स होते हैं, वो हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज करते हैं. नाउ इफ यू हैव एड्रेनल फटीग, मतलब आपको फटीग रहती है, कॉफी के बिना काम नहीं चलता है, कैफीन के बिना काम नहीं रहता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा एड्रेनल फटीग क्या होती है. सोफी के लिए मैंने एक नई केयर टेकर रखी, जो कि दिन में मैं चाहती हूँ 1 घंटा सोफी का कॉन्टैक्ट किसी इंडियन से हो, राइट? तो 1 घंटे के लिए वो आती है. सो शी कम्स एट 6 o'clock एंड सोफी मुझे कहती है, मम्मा मैंने नहीं उनके साथ खेलना है. क्यों नहीं खेलना है, ये सोफी का ही फीडबैक है, मम्मा शी डजंट प्ले विद मी. तो मैंने ऑब्जर्व किया, शी इज एन इंडियन एंड वो ऐसे करके बैठी रहती है, थकी रहती है. आई वॉज लाइक, आर यू ओके, कुछ खाओगे? नहीं, मैं सुबह से 4-5 कप चाय, 2-3 कप कॉफी पी चुकी हूँ. अच्छा, तो शी इज 21 and she has severe adrenal fatigue and no motivation for the sleeping pattern. कैसा है चारू? चारू ने बोला मेरा sleeping pattern, मुझसे रात को सोया नहीं जाता है, बार बार नींद उठती है. फिर से एड्रेनल फटीग में क्या होता है, एड्रेनल फटीग में आपको सब कुछ उल्टा करना होता है, आपको ब्रेकफास्ट हैवी लेना होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी होती है, आपको कॉफी और चाय से बहुत दूर रहना होता है, आपको अपनी बॉडी, आपको अपने एड्रेनल ग्लैंड्स को सपोर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ बी विटामिन. बी कॉम्प्लेक्स ले लो या फिर B6, B12, B9 हमारा ले लो. ठीक है, आपको एड्रेनल ग्लैंड्स, क्योंकि अगर वो एग्जॉस्ट हो गए, यू विल गो इनटू परमानेंट फटीग. परमानेंट फटीग में आप चले जाओगे गाइस. सो मैं आपको यही कह रही हूँ, जिन औरतों को लगता है कि कॉफी के बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, रात को बार बार नींद टूटती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, मोटिवेशन नहीं है किसी भी चीज को करने की, एक वो नहीं है, एक ऑरा नहीं है, लाइक लाइफ इज लाइक दिस, दे शुड नॉट ड्रिंक कॉफी. ओके, दे शुड नॉट डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, दे शुड नॉट डू एनीथिंग विच स्ट्रेस देयर बॉडी. सो चारू इज वॉचिंग. उप्स, चारू मेरा वीडियो देख रही है, सॉरी चारू बेटा. मैंने आपका एग्जांपल ले लिया. सो एनीवेज, मेरे को पूछ के लिया मैंने. सो गाइज, मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कॉफी
कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू. कॉफी आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है, मेरी जिंदगी के लिए कॉफी गेम चेंजर है. बट टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. मैं कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए पी रही हूँ, एंटी एजिंग के लिए पी रही हूँ? नो. हाँ, जिस दिन फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वीडियो आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, इतनी स्टडीज करनी थी मुझे, लाइक मेरे सामने मुझे डॉक्यूमेंट्री देखनी थी, मेरे को दिमाग में प्रोसेस नहीं हो रही थी इन्फॉर्मेशन यार, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज. ऊपर मेमोग्राफी, मेरा एक वीडियो आने वाला है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर कि कैसे है वो ब्रेस्ट कैंसर को प्रमोट कर रही है. सो मुझे नहीं पता है इस वीडियो को फीपी दिन में दो बार पी, एक बार एक्सरसाइज से पहले की. एंड गाइस, जब अब मुझे इतना अच्छा लगता है, जिन दिनों मैं योगा करा रही हूँ उन दिनों आई स्टॉप कॉफी, मैं उस दिन कॉफी नहीं पी रही हूँ. ठीक है, मैंने खुद ये वीडियो बनाया है कि कॉफी के कितने साइड इफेक्ट्स हैं, कितने बेनिफिट्स हैं. हो सकता है फ्यूचर में मैं अपनी ही कॉफी लेके आऊँ. क्यों? क्योंकि जब मैं इंडिया जाती हूँ मुझे कोई बहुत अच्छा ब्रांड नहीं मिला है. जो ब्रांड मुझे गिफ्ट भी मिले हैं उसके अंदर चिकोरी रूट्स वगैरह हैं एंड वो आपके इंसुलिन को स्पाइक करते हैं. एंड सो इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, यू जस्ट नीड सिंगल ओरिजिन गुड फ्रेश रोस्टेड कॉफी. दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड. सो मे बी आई कम अप विद माई ओन कॉफी, बट मैं वो लड़की नहीं हूं कि अगर मैंने अपनी कॉफी लॉन्च कर दी तो मैं लोगों को उसके साइड इफेक्ट्स नहीं बताऊंगी. डेफिनेटली मैं लोगों को उसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगी कि गाइज इसके साइड इफेक्ट्स हैं. एंड दूसरी चीज, लास्ट चीज मैं बताना चाहती हूँ गाइज, आदमी जो लोग होते हैं वो अल्कोहल को, मुझे पता है आजकल बहुत मॉडर्न जमाना हो गया है, औरतें भी शराब पीने लग गई हैं. ठीक है, सो एक चीज याद रखना, आदमी, एक औरत जो होती है वो अपनी उसने बच्चा पैदा करना होता है. एक जो आदमी है वो अल्कोहल और कॉफी को, आपको अपने हस्बैंड को डेफिनेटली कॉफी देनी चाहिए एंड वो कॉफी को बहुत आसानी से मेटाबोलाइज कर सकते हैं, हम औरतें थोड़ा सा मुश्किल से कर सकती हैं. ठीक है, सो एंड कॉफी के साथ एक और चीज है, आपकी जो डोसेज है, जैसे पहले आपने आधा चम्मच फर्स्ट टाइम कॉफी लिया आपको बड़ा अच्छा इफेक्ट लगेगा, फिर दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद आपको ऐसा लगेगा या दो महीने बाद मैं थोड़ा सा अपटेक करूं. तो मैं क्या करती हूँ अपनी कॉफी की सेंसिटिविटी को रिस्टोर करने के लिए, आई डू कॉफी फास्टिंग. जैसे कि 3 दिन तक मैंने कॉफी नहीं पीनी. अगर मैं 1 चम्मच तक पहुंच जाती हूँ कॉफी के, आई टेक ये फिल्टर, तो पता है कि 4 दिन बाद मेरा आधे चम्मच से कुछ बना नहीं है, 1 चम्मच पे जा रही हूं, देन आई लीव कॉफी, आई डिसेंसिटाइज इट. सो कॉफी इज अ गेम चेंजर अगर आप इस डेविल के ऊपर लगाम लगाना सीख लो. ठीक है गाइस, अगर आपको बीमारियों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज कॉन्टेक्ट 8699086991. यू हैव द रियल इंफॉर्मेशन इन योर हैंड. सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैं आज वेंसडे है, यस वी आर डूइंग ओमैन. ओके, डार्क चॉकलेट 99 लेती हूँ. वो शी इज टेकिंग डार्क चॉकलेट 99, इट इज ऑल्सो कैफीन. सो डू नो आई टेक ऑल्सो कॉफी एंड डार्क चॉकलेट 85, 90, 95, डिपेंड करता है. ठीक है, डार्क चॉकलेट फुल ऑफ पॉलीफिनल्स, वेरी गुड एंड गुड फॉर वेट लॉस, गुड फॉर एवरीथिंग. एंड कॉफी का एक्सरसाइज से पहले 2 फायदे हैं जो मैंने नहीं बताए हैं. नंबर 1, इट पुल्स, अगर आपने कुछ खाया नहीं होता है, ठीक है, अगर आपने कुछ खाया नहीं है एंड आपने कॉफी पी ली है तो ये क्या करेगा, आपके जो बॉडी के फैट सेल्स हैं उनको ब्लड में लेके आएगा सो दैट योर बॉडी कैन बर्न द फैट डायरेक्टली, नंबर 1. नंबर 2, ये क्या करता है, आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एक हार्मोन होता है जिससे बॉडी ग्रो करती है. मैं दुनिया की इकलौती लड़की हूँ आई नो, जिसका वेट जब 52-53 ड्रॉप हो जाता है, मैं टारगेट करती हूँ मेरा वेट एटलीस्ट 55-56 तक होना चाहिए. मैं क्यों टारगेट करती हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट 3 kgs ऑफ फैट, आई वॉन्ट 3 kgs ऑफ मसल. ठीक है, एंड 3 kgs का जो ये मसल है ये क्या करेगा, मेरा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बनाएगा. सो कॉफी क्या करती है, आपको आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बूस्ट करती है. इसीलिए मैं वर्कआउट से पहले वो चीजें लेती हूँ जो कि एक्चुअली दीज थिंग्स आई एक्चुअली टेक बिफोर वर्कआउट, कॉफी विद राइस क्रैकर, क्योंकि रोज रोज चावल में बनाना भूल जाती हूँ तो राइस क्रैकर. ठीक है, हाउ टू मेक कॉफी, आई मीन व्हाट इज योर मेथड. सो आई टेक
सबसे अच्छा तरीका तो यही है फ्रेशली ग्राउंडेड कॉफी, वो जो बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, लाइक वो मशीन्स काफी महंगी होती है, 3-4 लाख की होती है. सो माय वे इज एक्चुअली मुझे लाना चाहिए था. आई हैव दिस फ्रेंच प्रेस, ऐसे करके ग्लास का फ्रेंच प्रेस आता है, उसमें मैं कॉफी डालती हूँ, ठीक है, और मैं किसी रिप्यूटेड ब्रांड की लेती हूँ क्योंकि रिप्यूटेड ब्रांड बिकता बहुत जल्दी है, इट शुडंट बी ओल्ड. उसके बाद मैं एक गर्म पानी डालती हूँ फ्रेंच प्रेस के अंदर, कॉफी का एक चम्मच डालती हूँ, 1 मिनट वेट करती हूँ, उसको प्रेस करती हूँ, एंड देन आई पोर इट एंड देन आई ड्रिंक इट विद माय एंजाइटी कैप्सूल्स. अगर आपने मेरे एंजाइटी कैप्सूल्स नहीं खाए हैं, जिंदगी में बस एक बॉटल खरीद के देखो. मुझे नहीं पता था कि दिस कुड डू वंडर्स इन माई लाइफ, योगा, एंजाइटी कैप्सूल्स, एंड यस इट कैन. कैन यू गिव व्हाट्सएप नंबर 8699086991. Okay, पलक मुझे white discharge रहता है, so I you can again it's an underlying there's an underlying problem. Please, meri I can do a full video about vaginal health and white discharge is not normal, guys. There हमारे हर जगह पे bacterial colony होती हैं, जब वो खराब हो जाती हैं, you get all these kinds of symptoms. Okay, I'm your scientist fan. Okay, what does that mean? Black coffee अच्छी होती है pre-workout. I did the whole video about it. पूरा video किया है. I drink it, and it's your personal choice. I drink it, but I won't drink it before yoga. I won't drink it before light work. Really drink retina with my vitamin ADK. Okay, and uske baad, hi ma'am, meko PCOD ki problem hai. 8699086991. Guys, aap call kyun nahi karte ho? Call karo na, consultation leke dekho na. Aapko pata hai aaj se maine kya kiya hai? Aaj se, आज ही वो दिन है मैंने इंटीग्रेट किया है कि अब से किसी को कंसल्टेशन के लिए, जैसे अभी से पहले क्या होता था, आप 8699086991 पे कॉल करते थे, आपको कहते थे हम लोग आपकी कंसल्टेशन बुक कर देते हैं, आपकी कंसल्टेशन का एक टाइम होता था. आज से फोन उठाएंगे, डायरेक्ट कंसल्टेशन देंगे. मैंने अपने हेल्थ एक्सपर्ट को डायरेक्ट कॉलिंग के लिए फ्रंट में कर दिया. इसका मतलब आप कॉल करते हो 8699086991, डायरेक्ट कंसल्टेशन मिलेगी विदाउट वेटिंग टाइम. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे वीडियो बनाओ. आई हैव डन वीडियोस अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. इट्स सो इजी, सो इजी. प्री प्रोबायोटिक पाउडर एंड फर्मेंटेड फूड्स लेटर. अभी नहीं, अभी फर्मेंटेड फूड्स वुड बी against you. Okay, I get double vision. Oh, it means your muscles are weak, so you have to train your muscles. YouTube pe jaake likho Palak Notes eyesight. Theek hai, maine apni eyesight reverse ki hai. It can be cured, but start taking vitamin ADK. Thank you for everything, Rupatri. Thank you. So, cheers, guys. Ek cheez main aapko aur samjhati hu. Please, agar aapko अगर आप लोग खुद थोड़ी सी साइंटिफिक स्टडीज किया करो, क्योंकि आप मुझे सिंपल ये चीज बताओ, ठीक है, एक इंसान है, उसने कॉफी लॉन्च करी, ठीक है, वो क्या करेगा कॉफी लॉन्च करके, वो कंपनी, वो आर्टिकल्स ही लिखेगा, कुछ नहीं होता है. मैं कंपनी चला रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आर्टिकल्स दोबारा लिखने लगी हूँ जिसके अंदर मैं लिंक दूंगी साइंटिफिक स्टडीज का, ठीक है. वो क्या करेंगे, आर्टिकल्स छापते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू यूज दे वे. पलक में सऊदी अरेबिया जा रही हूँ, मेरी तबीयत, कल मेरी फ्लाइट है. सो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आपको फ्लाइट लेनी है, टेक चारकोल कैप्सूल्स. बट कल ही फ्लाइट है, तो आई डोंट नो गाइस, कल फ्लाइट है, आज तबीयत खराब है. ओप्स, आई वुड टेक लिवर डिटॉक्स अगर है घर पे तो, बिकॉज यू गोना गेट लॉट ऑफ टॉक्सिक लोड इन द फ्लाइट. एंड सिप ऑन कैमोमाइल टी, बहुत ज्यादा फ्लूइड, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी तबियत की में क्या खराब है. ओके, येलो टॉन्सिल स्टोन है, क्या करूं. 8699086991. ओके, इसका मतलब क्या होता है कि मैं, मेरे पास जवाब नहीं है. इसका मतलब मेरे पास जवाब है, लंबा जवाब है, एंड यू नीड असिस्टेंस. ओके, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू स्मिता. सप्लीमेंट्स फॉर यूरिक एसिड वाइटमिन डी डेफिशिएंसी, मेरी वेबसाइट पे जाके वाइटमिन डी का कर लो एंड यूरिक एसिड. कोई भी प्रॉब्लम्स है 8699086991. फॉर 8 years old कैन वी गिव आईसाइड विटामिंस. यस यू कैन. गाइस, मेरे क्या है विटामिंस, क्या है, कुछ नहीं है. हम लोग कहते हैं कि आंखों के लिए एग्जांपल बता रही हूँ, गाजर खाओ, गाजर खाओ. अब ये सोचो कि
गाजरों से आपकी, वैसे होती नहीं है, एग्जांपल दे रही हूँ, गाजरों से आपकी आईसाइट ठीक होनी है 2 सालों में, अगर मैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको पावरफुल करके 2 साल की गाजरों जितना एक्सट्रैक्ट 3 महीने की गोलियों में डाल दूं, बस वही होते हैं सप्लीमेंट्स, फूड से ही निकलते हैं, ठीक है। व्हाट, थैंक यू सो मच, ओके, प्लीज गाइड पलक, व्हाट पास को आईसाइट के बारे में बियर प्लीज, आई डोंट अंडरस्टैंड, ओके, घुटने में बहुत पेन है मॉम के, 8698699 gram of the century. It's the biggest scam of the century. कुछ नहीं होती, इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, कुछ नहीं होती ग्रीन कॉफी, हाँ, ओके गाइस, डू शेयर दिस वीडियो, व्हाट डू यू हैव फॉर दिस क्रिस रिच पोटर कैम, व्हाट, I'm speaking other language, I know. I have dry skin, particularly feet area. Vitamin E, Pakistan, Assalamualaikum. I will, आप ना पता क्या करते हो guys, आपको किसी ने मुझे लिखा हुआ है कि what is the cyst, guys गंदी गंदी medical terms लेके आ जाओ, ठीक है, cyst is estrogen dominance, ये cyst, वो cyst, chocolate cyst, वो cyst, ये cyst, make your life simple. It's estrogen dominance. Okay? Okay, guys. Bye. Take care. Have a great day. Bye-bye. I will finish first here. Then I will finish here. Bye, guys. किड्स नाइट में यूरिन होता है।